हेलो नमस्कार गाइस, मैं निखिल आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ट्रेंडिंग में अभी जो न्यूज़ चल रहा है, पबजी इंडिया में बैन होने वाला है। 275 एप्लीकेशंस बैन एनालाइजेशन के लिए गई हैं जिनमें पबजी भी इंक्लूड है। गाइस अभी बताया जा रहा है 47 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है उन 59 एप्लीकेशंस के बाद। गाइस तो देखा जा रहा है कि 47 जो एप्लीकेशन बैन हुई हैं वो जो थी हाईली परमिशंस, जैसे कि आपकी लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, इन सब की परमिशन अलाउ करने के बाद जो आपका डेटा था उन सबको कलेक्ट कर रहा था। बट गाइस माना कि वो 275 एप्लीकेशन चाइनीज है और इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पर सिक्योरिटी अलर्ट हाई कर रखा है, तो इस वजह से वो पबजी को भी रेडार में ले रहा है गाइस। लेकिन ये जो लोग हैं ना जो बोल रहे हैं कि इंडिया में पबजी बैन हो जाएगा गाइस, तो मैं 100% श्योर हूँ ऐसा कुछ होने नहीं वाला। गाइस देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के एनालाइजेशन की ट्रूथ देखा जाए तो गाइस जितनी भी एप्लीकेशन बैन हुई हैं उनमें बैन हुई हैं जो एप्लीकेशन वो हमारा डेटा कलेक्ट कर रही थी, जैसे हमारी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी वो अपने सर्वर पर अपलोड कर रही थी। लाइक कह सकते हो जैसे कि टिकटॉक, गाइस टिकटॉक में आप देख सकते हो कई सारी परमिशंस मांगता था बढ़िया। अभी जो 47 जो एप्लीकेशन बैन हुई हैं वो हेलो पबजी लाइट, पबजी लाइट नहीं गाइस, हेलो टिकटॉक लाइट वगैरह 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 जितने भी लाइट एडिशन है वो ज़्यादातर बंद हो चुके हैं। इनके ऑलरेडी ऑफिशियल जो ऐप थे वो बैन हुए, उनके बाद जो उनके लाइट वर्जन थे वो सारे भी बैन हो चुके हैं गाइस। लेकिन पबजी को देखा जाए ना तो पबजी ओनली दो परमिशन लेता है, एक माइक्रोफोन और एक स्टोरेज की। गाइस जो स्टोरेज की परमिशन लेता है पबजी मोबाइल, वो केवल अपना डाटा हमारे फ़ोन में देने के लिए लेता है, ना कुछ लेने के लिए। गाइस ऐसा पर्सनल कुछ डाटा नहीं है जो पबजी मोबाइल लेगा या फिर अपने सर्वर वगैरह पर जो भी है अपलोड करेगा। गाइस आप देख सकते हो जब जब ऐसे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं हम पबजी मोबाइल को, तो गाइस जितनी भी एड्स या फिर न्यू आउटफिट वगैरह आते हैं उन सबको डाउनलोड करने के लिए वो नॉर्मली मेच्योरली जो थोड़ी सी परमिशन है वो स्टोरेज की लेता है, वो केवल अपना जो भी इवेंट वगैरह आते हैं उसके लिए लेता है, ना कि कुछ अपलोड करने के लिए या फिर हमारा डाटा एनालाइज करके या फिर अपने सर्वर पर अपलोड करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो मैं आपको बता दूं गाइस, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पबजी इंडिया बैन होने वाला ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस। ओनली दो परमिशन इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी भी एनालाइज कर चुकी है गाइस मेरे थ्रू, तो देखा जाए तो अभी ये मैं मान सकता हूँ 275 एप्लीकेशन में इंक्लूड है, वो केवल एनालाइज कर रहा है जो एप्लीकेशन अपना आपका पर्सनल डेटा चुरा रहा है या फिर अपलोड कर रहा है, जो भी इशू आ रहा है उनमें पबजी के ओनली इंक्लूड है केवल चाइनीज़ होने की वजह से, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो मैं आपको बता दूंगा इस पबजी मोबाइल पूरा चाइनीज़ नहीं है, ये दो कंपनीज हैं उनको कोलैबोरेशन करके ये जो गेम है वो बनाया गया है, तो गाइस ऐसा कुछ होने नहीं वाला। जो कंपनी है वो शायद आई थिंक साउथ कोरिया की है, तो उधर से ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको बता दूँ पबजी मोबाइल बैन नहीं हो रहा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।